शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। लीजिए साहब, खास आपके लिए बनाए हैं। लीजिए। अरे बस बस, अब तो अपना चेहरा दिखा दो। यहाँ ना है वो गहना महारानी वेर गई, अपने रूम में भी नहीं है। तेज प्रताप जी आए नहीं अभी तक, फोन करता हूँ उनको। आज तुम्हारी किस्मत तुम्हें हमारे पैरों तक ले आई है तेजा, ताकि हम तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा दे सके, ताकि आज के बाद कोनो बुरा काम करने से पहले तुम्हारी रूह कांप उठे। तुम्हारे लिए एक सबक है तेजा, एक औरत की पवित्रता पर कभी कोनो आँच मत आने देना, वरना उसका तांडव तुम झेल ना ही पाओगे। एक औरत ने ही तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें इस काबिल बनाया है और यहाँ तक पहुँचाया है। अपने हाथ तुम्हारे खून से हम गंदा ना ही करना चाहते थे, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं। लेकिन महादेव के प्रकोप से तुम बच ना ही पाओगे, वो तुम्हें तुम्हारी सजा जरूर देंगे। और ये जो अच्छाई का मुखौटा पहनकर यहाँ सबके सामने नाच रहे हो ना, सब का सब खत्म हो जाएगा। गौरव, पूजा बीच में छोड़ के तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम गहना को देखने आए थे, बहुत देर से मिल नहीं रही और तेज प्रताप जी भी नहीं मिल रहे थे, तो देखने आ गए थे। हर समय तुम्हें गहना की इतनी फिक्र क्यों रहती है? उसे जब आना होगा वो आ जाएगी। गहना हमारी दोस्त है ना, और वो पूजा के लिए बहुत खुश थी, बस इसीलिए ढूंढने आए थे उसे। गहना को छोड़ो और पूजा में ध्यान दो, चलो। क्या हो गया है मुझे? क्यों मुझे हर वक्त गौरव अपने आसपास चाहिए? क्यों इसके पीछे यहाँ तक आ गई मैं? दो घंटे हो गए, तेज प्रताप जी का कोई अता पता नहीं है, मोबाइल भी यहां पर पड़ा है, कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? पुलिस को फोन करना पड़ेगा। अब यहां है पर कालीज। जिसने भी ये किया है ठीक नहीं किया। बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है वो।
अरे सुधा खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, पानी लेकर आओ। तेज प्रताप जी आप शांत हो जाइए, आइए आइए बैठिए बैठिए। तेज प्रताप जी किसने किया ये सब, आपको किसी पर शक है? हमको नहीं मालूम, हम बस इतना कह सकते हैं कि एक औरत थी। कौन है वो? तेज प्रताप जी बताइए कौन है वो? अरे हम कह रहे हैं हमको नहीं है मालूम, हमको कछु याद नहीं है, बस कोई कोई देवी थी, हाथ में उसका त्रिशूल था, कछु याद नहीं आ रहा है हमको। अब उठिए हम आपकी मदद करते हैं। इस घर की कोई भी औरत आपके साथ ऐसा क्यों करेगी? ये पायल की आवाज सुनी। पायल? कैसी पायल? अरे हम कह रहे हैं कोई 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 पायल वाली औरत थी। यहाँ किस किस ने पायल पहनी है? सब अपने पैर दिखाएंगे। तुम्हें अलग से बताना पड़ेगा। पैर दिखाओ। भागी जा रही है। पैर दिखाइए अपने। हमने नहीं पहनी पाए, हम नहीं पहनते ये सब। वो सब अभी पता चल जाएगा। पैर दिखाइए। मैंने कहा ना आपको कि पैर दिखाइए। पायल इनके पैर में कैसे आई?
ये तो चांदी की पायल, एक मिली है मतलब दूसरी भी यही कहीं होगी। अगर हमने सबके सामने ये बोल दिया कि हमें ये पायल गिरी हुई मिली थी तो हमारी तो बेइज्जती ही हो जाएगी। आपने कहा था कि आप पायल नहीं पहनती, तो फिर ये कहां से आई? हमने पहनी है पायल दीदी, लेकिन हमने कुछ किया नहीं है। ये आप ही ने किया है। पापा ने श्लोक भैया के बजाय वो डील मुझे क्रैक करने के लिए दी, इससे आपको जलन हुई, इसीलिए आपने ये सब कांड किया ना। श्लोक, अपनी बीवी को काबू में रखो, आगे से ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं सहेंगे हम। शर्म आनी चाहिए आपको, घर आए मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव किया है आपने। अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आपको मुझसे बात करनी चाहिए थी, मेहमान के साथ ये सब घटियापन करने की जरूरत नहीं थी आपको, समझी? हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आप लोग हम पर यकीन क्यों करेंगे? अपने इस नशेड़ी मेहमान पर यकीन करेंगे? जो इस वक्त भी इतने नशे में है कि जिसे अपना खुद का नाम याद नहीं है, और इसकी बातों में आकर आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। बस बहुत कर ली हमारे मेहमान की बेइज्जती, चुप। तेज प्रताप जी, हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं, जो आपके साथ हुआ है उसका पता हम लगा कर रहेंगे और छोड़ेंगे नहीं उसे। आपको हमारा ड्राइवर बाहर तक छोड़ देगा। वो लड़की कहाँ है ये पता करने हम दोबारा यहाँ जरूर आएंगे। वो हमारा फोन ले लीजिएगा। ये सब तुमने किया है? हम पूछ रहे हैं, ये सब तुमने किया है? एक पायल देखकर आप हम पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं लग रहा कि पूजा के समय पूरे टाइम हम यहीं बैठे हुए थे? हाँ पापा, पूरे टाइम श्रिया मेरे साथ थी। पूजा में सिर्फ गहना ही नहीं थी, एंड तभी जब तेज प्रताप जी यहाँ नहीं थे, हम तो उसे कमरे में भी देख के आए थे, वो वहां पे भी नहीं थी। पूजा के वक्त कहाँ थे तुम? हमने भेजा था। गहना को हमने भेजा था वो पूजा का थाल तैयार करवाने। जिसने भी ये सब किया है उसका पता तो हम लगा कर रहेंगे। सुधा, तुम हमारे साथ आओ, हमें तुमसे काम है।
वैसे सच बताएं तो मॉडर्न कपड़ों से ज्यादा ये देसी लिबास आप पर जच रहा है। मम्मा को क्या हुआ है? जो भी हुआ है मस्त हुआ है। एक्चुअली उर्वशी, क्या हुआ है तुम्हें? क्या कर रही हो तुम? बड़ी मेम साहब, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें बचा लिया। बचा तो लिया, लेकिन अब हमें सच्चाई जाननी है। हम जानते हैं गहना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और जो भी तुम कर रही हो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। अब बताओ कि बात क्या है? बड़ी मेम साहब, आपने हम पर भरोसा किया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। पर काश हम आपको ये सच्चाई बता पाते। मेम साहब, आपने हम पर इतना विश्वास किया है ना, तो इतना यकीन करिए कि हमने कछु गलत नहीं किया है। वो कहा है कि हमरा लड़ाई हमें खुद ही लड़ना पड़ता है, वरना लोग अक्सर हमरे इस डर का फायदा उठाकर हमें हमेशा साथ जिंदगी भर दबाते ही रहेंगे। जब तक हम औरतें अपने हक के लिए खड़ी नहीं होंगी ना, तब तक ये मर्द लोग हम पर जुल्म ढाते ही रहेंगे। बड़ी मेम साहब, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने कछु गलत किया है और आप बड़े साहब को बताना चाहते हैं, तो आप बता दीजिए। लेकिन एक बात तो तय है, जब भी वो आदमी हमारे सामने आया ना, तो हम उका यही हाल करेंगे। हम पर भरोसा कीजिए, सही वक्त पर हम आपको तेजा की सच्चाई जरूर बताएंगे। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे गहना, बस तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? We'll be right back.
वाह गहना वाह, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम तेज प्रताप सिंह को पहले से कैसे जानती हो और तुमने उसके साथ इतना सब कुछ क्यों किया? गौरव, वो उर्वशी मेम साहब ने हमारे कपड़े पहन लिए, वो तुम्हें अजीब नहीं लगा? उर्वशी मेम साहब को तो ये सब पसंद ही नहीं। अरे वो एक डिजाइनर है गहना, वो कुछ भी पहन सकती है। तुम शहर में हो, शहरी लड़कियों जैसी बनो। ये बात कोई क्यों नहीं सुनता? मिल गया टाइम तुम्हें, तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते। मैं इतना कुछ करती हूँ लेकिन मेरी वैल्यू है ही नहीं, है ही नहीं। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।